तो जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको पूरा एम्स पैरामेडिकल की पूरी डिटेल दिया था और उसमें बच्चों को बोला था कि अगर आपको सीआरई वैकेंसी के बारे में जानना है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बच्चों ने कमेंट किया और उनके कमेंट करने पे, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो बनाते रहता हूं, तो इस पर फिर वीडियो लेकर आया हूं सीआरई वैकेंसी के ऊपर। तो आज सीआरई वैकेंसी की पूरी डिटेल हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि सीआरई वैकेंसी किन स्टूडेंट्स के लिए ये होता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए भर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं CRE वैकेंसी की पूरी डिटेल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपरा, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि मैं सीआरई वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात होने वाली है। और ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें जो अलग अलग पोस्ट होता है उसके लिए निकलता है, साथ साथ पूरे इंडिया में जितने भी एम्स हैं, जैसे आपका एम्स दिल्ली है, एम्स भोपाल है, इनमें जो पोस्ट निकलता है, जैसे नर्सिंग का पोस्ट निकलता है, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट निकलता है, रेडियोलॉजिस्ट का पोस्ट निकलता है, तो इन सब सारे पोस्ट के लिए क्या बोलते हैं, ये आपकी वैकेंसी निकाली जाती है, ये रिक्रूटमेंट निकाला जाता है। तो बच्चों ये बात होगा कि ये सीआरई एग्जामिनेशन कब से हो रहा है और ये आपका 2024 में कब निकलेगा। तो हम आपको बता दें कि पहले एग्जाम नहीं हुआ करता था, जो अलग अलग क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जैसे वीएमएमसी हो गया आपका, ठीक है ना, या एम्स आपका दिल्ली हो गया, एम्स भोपाल हो गया, जितने भी एम्स आपके हैं वो अपना अलग अलग एग्जाम्स कराती थी। जैसे मान लीजिए एम्स में कोई नर्सिंग का पोस्ट खाली है, 10 नर्सिंग का पोस्ट खाली है, तो उस नर्सिंग के पोस्ट के लिए एग्जाम होता था, ठीक है ना। दिल्ली में खाली है तो दिल्ली अपना क्या बोलते हैं एग्जाम लेता था, भोपाल में खाली है तो भोपाल एम्स अपना एग्जाम लेता था, ठीक है ना। तो सब लोग अपना अलग अलग एग्जाम्स लेते थे। आपका क्या बोलते जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वीएमएमसी, वो अपना एग्जाम लेता था। तो मेरे कहने का सवाल है कि जितने भी अलग अलग क्या बोलते हैं एम्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो अपना अलग अलग एग्जाम्स लेते थे अपने पोस्ट के लिए, जो भी पोस्ट खाली होता था। बट एक बैठक बैठा और उस बैठक में ये बात हुआ कि इतनी एग्जाम्स लेने से बढ़िया है कोई एक एग्जाम लिया जाए और उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग बच्चों का जो नंबर आया हो, जैसा कट ऑफ गया हो, उसके अकॉर्डिंग उनको पोस्ट दिया जाए। तो ये एग्जाम आपका निकला सीआरई, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस टेस्ट। तो ये आपका एग्जाम होना चालू हुआ 2023 में, 2023 में इसका पहला बार एग्जाम हुआ था। और मैंने बताया कि 2022 और 2021 इन सब के पहले, यानी कि 2023 के पहले इसका एग्जाम नहीं होता था, अलग अलग क्या बोलते हैं जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना, वो अपना अलग अलग एग्जाम करवाती थी। तो 2023 से ये क्या बोलते हैं एग्जाम पहली बार हुआ। अक्टूबर नवंबर माह में इसका फॉर्म निकला था और आपका दिसंबर में ये एग्जाम हुआ था 2023 में। लेकिन 2023 के पहले, यानी कि 2022 में, 2021 में, इसके पहले इसका एग्जाम कभी नहीं होता था। अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और जो अलग अलग एम्स हैं, वो अपना अलग अलग एग्जाम्स लेते थे अपने, जो भी पोस्ट उनका खाली रहता था। तो 2023 में पहली बार इसका एग्जाम हुआ। अब सवाल यह है कि सर 2024 में एग्जाम हो गया है कि नहीं हुआ है। तो 2024 में अभी इसका एग्जाम नहीं हुआ है और ना ही अभी कोई नोटिफिकेशन आया है कि 2024 में इस क्या बोलते हैं महीने में इसका एग्जाम होगा या फॉर्म अभी निकलेगा। एक क्या बोलते हैं कुछ दिन पहले न्यूज आया था, लेकिन वो फेक न्यूज था, अभी वो क्या बोलते हैं रियल न्यूज नहीं है। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आपको अपडेट मिल जाएगा कि इसका फॉर्म निकला, आप फॉर्म जाके भर लीजिए और भरने के बाद जब भी इसका एग्जाम होगा आप एग्जाम जाके दे लीजिएगा। खैर, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये हम लोग को फॉर्म भरना है तो इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, यानी कि कौन कौन सी क्राइटेरिया क्या बोलते हैं पूर्ण हो तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे क्लास 12th पास आउट है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये वैकेंसी वो भर सकते हैं तो वो लोग नहीं भर सकते हैं। ये वैकेंसी वही स्टूडेंट भर सकते हैं जो स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्स कर चुके हैं या नर्सिंग का कोर्स कर चुके हैं। लेकिन पैरामेडिकल या नर्सिंग का कोर्स आप जिस कॉलेज से किए हो वो कॉलेज आपका मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप एम्स से किए हो तो आप भर ही सकते हो, क्योंकि एम्स तो बहुत बड़ी संस्था है। तो आप ये जान लो कि अगर आपने पैरामेडिकल कोर्स कर रखा है, कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर रखा है, आप बीएमएलटी कर रखे हो, बीपीटी कर रखे हो, बीओटीटी कर रखे हो, कोई भी पैरामेडिकल कोर्स अगर आप कर रखे हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन आप जहां से पैरामेडिकल कोर्स किए हो आपको यह जरूर देखना है कि वो कॉलेज मान्यता प्राप्त कॉलेज है कि नहीं कॉलेज है। इसीलिए बच्चे बार बार हम लोग से कमेंट में पूछते हैं कि सर ये कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है, सर बता दीजिए, क्लियर बता दीजिए, क्योंकि मान्यता प्राप्त कॉलेज का यही सब फायदा है। अब बताइए अगर मान लो सीआरई क्या बोलते हैं आपका रिक्रूटमेंट निकल रहा है और आप मान्यता प्राप्त कॉलेज से नहीं किए हो तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी भी पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं भर सकते हो। तो इसलिए जब भी आप कहीं से भी क्या बोलते हैं पैरामेडिकल कोर्स करें, आप जरूर एक बार जांच लें और देख लें कि हमारा जो कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त कॉलेज है या नहीं कॉलेज है। अगर मान्यता प्राप्त कॉलेज है तो उसकी बेटा जो वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो मान्यता
आप कॉलेज से अगर आपने पैरामेडिकल कर रखा है या नर्सिंग कर रखा है तो आप या क्या बोलते हैं CREMs का जो आपका क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट निकलता है आप जरूर भर सकते हो। बस समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब सवाल यह है कि सर ठीक है सर, पैरामेडिकल करने के बाद या नर्सिंग करने के बाद तो हम लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ क्लास 12th पास आउट से होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर क्या बोलते हैं एज लिमिट क्या होना चाहिए? तो बेटा नो एज लिमिट, क्योंकि अगर आपने क्लास 12th के बाद आपने पैरामेडिकल किया तो ये तो 100% है कि आप 17 साल तो पूरा ही हो गए होगे, तो मतलब अपर जो क्या बोलते हैं एज लिमिट है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने पैरामेडिकल और क्या बोलते हैं नर्सिंग किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब आप जानना चाहोगे सर इस फॉर्म का फी कितना लगेगा, तो बेटा मैं एक एक चीज पूरा डाटा सहित लिख के लाया हूं, आपको बताता हूं कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, अगर आप जनरल हो या आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3000 रुपया लगेगा, ठीक है ना, 3000 रुपया इसका एप्लीकेशन फी है। अच्छा, वही बात कर लें कि अगर आप एससी हो, एसटी हो या आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो आपका 2400 रुपया लगेगा, यानी कि 2400 रुपया लगेगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप किसी भी मतलब क्या बोलते हैं जैसे आप जनरल की पीडब्ल्यूडी हो या एससी की पीडब्ल्यूडी हो, यानी कि आप हैंडीकैप हो, ठीक है ना, दिव्यांग हो, तो आपका 1 रुपया क्या बोलते हैं इसमें फॉर्म फीस नहीं लगेगा। तो जो जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए मतलब क्या बोलते हैं फॉर्म फी फ्री है, ठीक है ना, 0 रुपया है। अच्छा, इसके आगे चलें एग्जाम पैटर्न पर और इसके मार्किंग स्कीम पर, तो आपकी खुशी के लिए मैं बता दूं कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बात करें कि सर एग्जाम का मोड क्या होगा, तो एग्जाम का मोड आपका ऑनलाइन होगा। वही बात करें कि सर कितने पेपर होंगे इसके, तो बेटा आपको बता दूं पेपर इसका 2 होगा, एक पार्ट आपका कहलाता है जनरल पेपर और दूसरा कहलाता है डोमेन स्पेसिफिक पेपर। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका 2 पेपर होगा, एक आपका क्या होगा बताओ जनरल पेपर, दूसरा डोमेन स्पेसिफिक पेपर, ठीक है ना। जनरल पेपर में टोटल आपके 40 क्वेश्चन होंगे और ये 45 मिनट में आपको करना है, यानी कि 40 क्वेश्चन 45 मिनट के अंदर, और आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसका जो टाइप है वो MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन में टोटल 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से केवल आपका 1 ऑप्शन सही रहेगा। तो अगर आपने सही ऑप्शन वाले पे क्लिक कर दिया तो आपको +1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने गलत कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर काटा भी नहीं जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि इनमें कौन कौन सा पार्ट रहेगा, जैसे कि ये जनरल क्या बोलते हैं जो आपका पेपर होगा, यानी जो आपका पहला पेपर होगा, इस पहले पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाला है, पार्ट इसमें कितने हैं, तो इसमें बेटा आपको बता दो जनरल इंटेलिजेंस से 10 क्वेश्चन आएगा, दूसरा जीके से आपका 10 क्वेश्चन आएगा, एप्टीट्यूड से आपका 10 क्वेश्चन आएगा, और हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है मतलब फॉर्म भरते समय तो आपका हिंदी से 10 क्वेश्चन आएगा, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आपका इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएगा, यानी कि टोटल आपके 4 सेक्शन होंगे और इस 4 सेक्शन में 10 क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट के अंदर करना होगा, नो निगेटिव मार्किंग। वही सवाल करें कि सर जो दूसरा पेपर होने वाला डोमेन स्पेसिफिक वाला, उसका पैटर्न आप बता दीजिए, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इसमें भी आपके टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 45 मिनट के अंदर करना होगा, यानी कि पहले वाले में भी 45 मिनट, दूसरे वाले में 45 मिनट, यानी कि टोटल 1.5 घंटे का आपके पास समय हो रहा है और 1.5 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करना होगा। बस समझ में आ रहा है ना? तो दूसरे वाले में अगर बात करें कि सर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो जो आपने कोर्स कर रखा है उस कोर्स से आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन आने वाला है। जैसे आपने पैरामेडिकल कर रखा है, पैरामेडिकल में आप मान लीजिए क्या बोलते हैं BMLT कर रखे हो, तो आपने उस समय जितनी पढ़ाई की थी 4 साल के अंदर, वो उसमें से क्वेश्चन बनने वाला, उसमें से क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये फॉर्म कब निकलता है, आप जब पैरामेडिकल कर लोगे या नर्सिंग कर लोगे तब आपका क्या बोलते हैं फॉर्म भरोगे। तो 100% है कि इसमें 12th का तो क्वेश्चन आना नहीं है, इसमें आपका जो कोर्स कर रहे हो तो कोर्स के सारे क्वेश्चन आने वाले, नर्सिंग कर रखे हो तो नर्सिंग से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने 4 साल नर्सिंग में पढ़ाई किया जो भी टॉपिक्स उसमें होगा अगर कहोगे तो इस पर मतलब जो सिलेबस इसका है नर्सिंग का या पैरामेडिकल का, इस पर एक स्पेशल वीडियो ला दिया जाएगा कि मतलब नर्सिंग के कोर्सेज क्या है, पैरामेडिकल के कोर्सेज क्या है, लेकिन आप जो भी पढ़ाई करोगे तो आप जरूर जानोगे उस टाइम पर कि आपने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रखा है, तो उसमें से क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको ये सारी बात पता चल गया होगा कि इसमें 2 पार्ट में पेपर होगा, एक पहला वाला आपका स्पेसिफिक क्या बोलते हैं सॉरी आपका जनरल वाला होगा और दूसरा आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा, ठीक है ना। तो आपका 2 पार्ट में पेपर होने वाला है। वही बात करें कि सर क्या बोलते हैं कितने नंबर पे क्वालिफाई हम हो जाएंगे, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स बता दीजिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल हो या जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो आपका कम से कम 40% नंबर होना चाहिए, कट ऑफ की बात हो रही है। वहीं अगर बात करें अगर आप ओबीसी हो तो आपका 35% होना चाहिए, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो आपका 30% होना चाहिए। तो इतना मैंने आप लोग को बता दिया क्वालिफाइंग मार्क। तो आपको जो भी था सीआरई क्या बोलते
होते रिक्रूटमेंट, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दिया है। अगर आपको एम्स के पैरामेडिकल की कट ऑफ पे वीडियो चाहिए कि एम्स पैरामेडिकल कट ऑफ पे सर क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और मैंने पहले ही एम्स पैरामेडिकल में पूरी जो जानकारी होती है, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका सिलेबस, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है, तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा। तो सीआरई रिक्रूटमेंट जो था उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया, आपको एलिजिबिलिटी भी बता दिया कि पैरामेडिकल या नर्सिंग करने के बाद ही आप ये फॉर्म भर सकते हो, और आपका जो कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने इसका क्या बोलते हैं पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम भी बता दिया, और अंततः ये भी मैंने बता दिया कि जनरल ओबीसी एसटी वालों को कितना परसेंटेज लाना होगा जिससे वे एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।